नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। 29 जून को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और इस बैठक से पहले चर्चा का बाजार गर्म हो गया है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच चर्चा ये है कि संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा इस बात की हो रही है कि संजय झा को जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि ये चर्चा है, अभी मुहर लगती है नहीं लगती है इस पे तो इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि 29 जून को जो बैठक होने वाली है उस बैठक को लेकर लगातार तैयारियां भी की जा रही है और सभी जो सांसद हैं, जो पार्टी के कद्दावर नेता है, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि सिर्फ ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं है। मतलब कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसको स्वीकृति लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो फैसला माना जाएगा। लेकिन इसी बीच कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। संजय झा का नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहा है कि उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, ये सवाल भी उठ सकते हैं। दरअसल संजय झा बीजेपी और जेडीयू के बीच की कड़ी माने जाते हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जेडीयू के अंदर जो बीजेपी के नेताओं के साथ अच्छे संबंध में हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो संजय झा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से छुड़वा के और फिर एनडीए में शामिल करवाया। मतलब जो जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है वो कहीं ना कहीं संजय झा के कारण ही है। और इसके साथ एक और बात ये मानी जा रही है कि देखिए, हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री बनाए गए ललन सिंह, ऐसे में ये कहा जा रहा था कि संजय झा को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि वो स्वर्ण जाति से आते हैं और सवर्ण जाति से आने के बाद जातीय समीकरण के जो पैरामीटर्स हैं उसमें संजय झा फिट नहीं बैठ रहे थे, ललन सिंह उनके जगह पर केंद्रीय मंत्री बनाए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संजय झा नहीं बन पाए केंद्रीय मंत्री। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि अब संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि ये तो अभी कयास ही है, अब इस पे मुहर लगती है नहीं लगती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी सब को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और लोकसभा में भी जिस तरीके से जेडीयू की जीत हुई उसमें संजय झा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आए। दोनों के रिश्तों में जब भी कड़वाहट आई तो संजय झा एक कड़ी के रूप में वहाँ पर रहे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को लेकर एक बड़ा प्लान किया है, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जेडीयू में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 29 जून को जो बैठक होने वाली है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक ले सकते हैं फैसला, या इस बाबत भी बातचीत हो सकती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में जेडीयू की अगर हार हुई किन्हीं सीटों पर तो उस वो किन वजह से हुई और क्या विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तैयारी पूरी हो गई है या फिर कहीं पे जेडीयू चूक रही है। अगर चूक हो रही है तो उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग कैसे की जा सकती है। और इसके साथ ही हिसाब किताब पर चर्चा होगी कि पार्टी ने अब तक क्या किया, पार्टी को आगे क्या करना चाहिए। तो तमाम दावपेच जो जेडीयू की अभी तक रही है और आगे जेडीयू किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, आगे जेडीयू की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन बात संजय झा पर जाकर इसलिए भी टिकती है क्योंकि संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा पार्टी के नेता भी मानते हैं। अब देखना होगा कि क्या संजय झा को वाकई जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जो मीटिंग 29 जून को होने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए बिहार तक।